देश भर में करोड़ों लोग एक साथ एकजुट होकर रन फॉर यूनिटी मैराथन में दौड़े। यह वो गुजरात के मुख्यमंत्री व युवाओं के आइकन बन चुके सरदार वल्लभ पटेल के भक्त नरेंद्र मोदी का सपना साकार करेंगे, क्योंकि इस मैराथन का आयोजन नर्मदा नदी के बीच स्थापित किए जाने वाले 182 मीटर ऊंची पटेल की मूर्ति के लिए लोहा इकट्ठा करने के लिए किया गया है। अहमदाबाद में दौड़ को हरी झंडी लाल कृष्ण आडवाणी ने दिखाई। वडोदरा में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाते हुए मोदी ने कहा कि यह सपना सिर्फ उनका नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों का है। इस दौड़ का आयोजन जगहों पर किया गया। इस दौड़ में भाग लेने वाले लोगों में युवाओं के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, जो फरवरी के अंत तक देश के 1.87 लाख सरपंचों तक जाएंगे और हर गांव से लोहा मांगकर लाएंगे। रन फॉर यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन मानी जा रही है, जिसमें 10.2 लाख से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। यह मैराथन मात्र 2 किलोमीटर की है। इस दौड़ को देखते हुए तमाम शहरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। न्यूज़ पॉइंट।